गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं शिशु और अभी हम धर्मशाला में रुके हुए हैं। हम रूम दिखा देते हैं, रूम हमारा कैसा है। तो ये रहा रूम, अभी और भी साथी तैयार हो रहे हैं। तो अभी निकलने वाले 10:30 में हमारी बस है और ये रहा जो आपको धर्मशाला मैंने दिखाया था, वहीं पर हमने स्टे किया है। और सामने का नज़ारा तो बिल्कुल ही बहुत मस्त लग रहा है। और चलते हैं, बस लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हम बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और हमारे रूम से मात्र 200 मीटर थी। तो अभी देखते हैं बस यार कौन सा नंबर बस लेना है हमें शिशु का और कितना प्राइस होने वाला है। अभी साल लगे पता ही नहीं चल रहा है, तो देखते हैं आगे की। हमें तो बस तो मिल जाता है मनाली से लेके शिशु के लिए, लेकिन जो बस का भाड़ा होता है वो 120 रुपये होता है शिशु के लिए। और यहाँ से जो बस खुलती है वो दो बस खुलती है, एक सुबह 7:30 बजे और दूसरा जो बस होती है वो 9:30 बजे के आसपास खुलती है। तो हमें 9:30 बजे का बस था और उधर से रिटर्निंग जो बस है वो भी दो ही बस आता है। तो यार रिक्स है यही कि आपको पहले जाना होगा तभी आप वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे। तो जैसे ही हमने बस में बैठा तो यार पता चला कि वहाँ पे ठंडी काफ़ी ज़्यादा होगा और बीच में पड़ गया सोलांग वैली। तो लोग बोल रहे थे कि सोलांग वैली पहले ही इंजॉय कर लेते हैं, बट हमने तो यार सफ़र आज तय कर रखे थे कि हमें शिशु पहुँचना है और शिशु में ही भरदम इंजॉय करेंगे। सोलांग वैली में उतना ज़्यादा बर्फ नहीं दिखा हम लोग को, बस वहाँ पर रुकी थी 2 मिनट के लिए, बट बर्फ नहीं देखने के लिए मिला हमें। आगे बढ़ते हैं तो यार पता चला कि अटल टनल से होके जाएगा। तो अटल टनल से दो रास्ते कट जाते हैं, एक जाता है कोक्सर, एक जाता है शिशु। तो यार हमें जाना है शिशु। तो यार ऐसा ही नज़ारा आप देखते चलिए और म्यूजिक का एंजॉय करते चलिए और हम जल्दी से पहुंचते हैं शिशु। अभी हम शिशु पहुंच चुके हैं, मनाली से 40 किलोमीटर दूर है और ठंड है बट चारों तरफ है, पर नीचे नहीं ऊपर पहाड़ों के ऊपर है। तो चलते हैं जैसा होता है। यार काफ़ी नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, क्या बताएं, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। और ये जो मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये नदी का है, ये जो अटल टनल से आ रहा है। और वो कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही औसम लग रहा है यार। मैं तो आया हूँ यहाँ पे, तो यार काफ़ी हो रहा है, आप भी आओ। ठंड है बट बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत। हमें जाना बर्फ़ के साइड, तो यार हमें ब्रिज पार करना पड़ेगा या तो फिर आप लोग जीप लाइन से भी जा सकते हैं जिसका प्राइस 300 रुपीज़ है। और यहाँ से नज़ारे बहुत ही बिल्कुल औसम लग रहा था क्योंकि बीच में नदी बह रहा था और बहुत ही औसम लग रहा था यार, कि एकदम देख के तो एकदम दिल छू जा रहा था। और आगे ये सफ़र हम ब्रिज बहुत जल्दी पार करते हैं और हमारा सफ़र का एंजॉय करना शुरू। देखो एक उस साइड जाने के लिए जीप लाइन से जा सकते हो या तो फिर इस पुल के थ्रू से जा सकते हो, अभी जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ इस पुल के थ्रू से भी जा सकते हो। यार कितने औसम लग रहे यार, बोल नहीं सकते यार, बहुत मज़े आ रहे हैं। और यार ऐसे ही ब्लॉग में बने रहो, ये मेरा बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यार। एक बार आओ यहाँ पे और यार चिल करते जाओ, मज़े आ रहे हैं एकदम। सो लवली प्लेस यार, देखते हैं कि स्नो में कैसा होता है इफेक्ट। अभी स्नो में चल के देखते हैं कितनी गिली है या फिर क्या हमारे शू जो है वो। देखो यार गाइस कि यहाँ पे गोभी का खेत होता है बट देखो सब कट गए हैं और स्नो गिर गए हैं, तो देखो कैसा लगा। बहुत हम पहुंच जाते हैं अपने मंजिल की और अब नज़ारा बहुत ही बिल्कुल औसम रहता है यार, कि देख के तो एकदम दिल छू जाता है। और बर्फ़ यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मस्ती भी कर रहे थे और एकदम बिल्कुल नज़ारा बहुत ही औसम। कुछ कॉलेज स्टूडेंट मस्ती कर रहे थे, कुछ अपने कपल लोग मस्ती कर रहे थे, कुछ वीडियो शूट करवा रहे थे। हमारे जो भाई था उसने भी बहुत कपल लोग का वीडियो शूट किया है, रील्स बनाए हैं, बहुत सारे लोग इन्जॉय किए यहाँ पे। तो हम भी कुछ रील्स शूट किए हैं और कुछ वीडियो शूट किए हैं। और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा को देखे यार स्नो में घुलटते हुए, तो हम भी सोचे कि थोड़ा सा हम भी मस्ती कर लेते हैं, हम भी स्लाइड करते हैं। और यार नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप भी आओ तो शिशु आ जाना है कभी भी नवंबर में, तो आपको बर्फ़ पूरा मिल जाएगा। नवंबर का टाइम यहाँ बेस्ट है क्योंकि अगर आप दिसंबर में आते हो तो आपको पूरा का पूरा
क्लोज हो जाता है स्नो से, पूरा रोड ही क्लोज हो जाता है आपको सोलांग वैली तक। ये देख रहे हो यार पानी में बर्फ़ जमा हुआ है। तो हमारे लास्ट व्यू यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग एक मैगी का ढाबा मिला, वहाँ पे हम लोग ढाबा में आराम से आमलेट बनवाया, ब्रेड आमलेट, और वहाँ पे हमने खाया। उसके बाद हम एक पुलिस अंकल से मिलते हैं कि उनका एक रिव्यू हम सुनते हैं। सर एक बार हाय बोलो। यहाँ पे कैसा स्नोफॉल होता है तो कैसा लगता है सर? स्नोफॉल लगता है तो तब ऐसा लगता है जन्नत 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 में। आप यहीं जन्नत में रुक जाते हैं पूरे महीने? कितने महीने तक रहते हैं? हम तो यहाँ रहते 12 महीने ड्यूटी होती है। स्नोफॉल में टिक जाते हैं? स्नोफॉल में अच्छा, ऐसे ही फायर के साथ। और लोग आप ही तो है सर के पूरा देखते हैं बढ़िया। थैंक यू सर। फिर यहाँ से हम मनाली के लिए बस मिल जाता है जो लास्ट बस होती है, वहाँ से फिर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें।